जंगल में दो नन्ही चींटी बहनें रहती थीं। एक बहन का नाम मिनी और दूसरी बहन का नाम नैनी था। मिनी बहुत शांत स्वभाव की थी और नैनी चिड़चिड़ी स्वभाव की थी। मिनी को सभी लोग बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह सभी से मीठी बातें करती थी, इसलिए सभी उससे मीठी मिश्री बोलते थे। लेकिन नैनी को कोई पसंद नहीं करता था क्योंकि वह सबसे गुस्से में बात करती थी, इसलिए सभी उसको तीखी मिर्ची बोलते थे। एक दिन मिनी और नैनी और कुछ चींटियां मोटू हाथी की दुकान पर जाती हैं। वह जमीन पर उन्हें सफेद टुकड़े मिलते हैं। मिनी उन टुकड़ों को उठाकर चखती है और कहती है, कितना मीठा है ये। तभी मोटू हाथी अपने नौकर गधे से कहता है, तूने सारे मिश्री के दाने नीचे गिरा दिए हैं, जल्दी से इन्हें उठा ले वरना इन पर चींटियां लग जाएंगी। मिनी कहती है, क्या ये होती है मिश्री। मिनी की सहेली चेरी कहती है, मिनी तुम्हें सब मीठा इसलिए कहते हैं क्योंकि तुम मिश्री की तरह मीठा बोलती हो। तभी नैनी कहती है, तीखी मिर्च कैसी होती है, जरा मैं भी उसका स्वाद चखूं, मुझे सब तीखी मिर्ची क्यों कहते हैं। चेरी कहती है, अगर तुमने मिर्च को छू लिया तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तभी दुकान पर बंदर आता है और कहता है, मुझे आधा किलो मिर्च दे दो। गधा नौकर अंदर जाता है और मिर्च लेकर बाहर आता है। मिर्च के कुछ टुकड़े जमीन पर गिर जाते हैं। यह देखकर नैनी तुरंत मिर्च को छूती है। मिर्च को छूते ही उसके शरीर में जलन होने लगती है। मिनी उसे तुरंत घर लेकर जाती है और उस पर पानी डालती है, लेकिन फिर भी नैनी के शरीर पर खुजली होती है। नैनी कहती है, तीखी मिर्च तो बहुत बुरी होती है, सभी लोग तभी मुझे तीखी मिर्च कहते हैं। अब से मैं भी मिनी की तरह मीठा बोलूंगी, किसी से गलत नहीं बोलूंगी। मुझे पता चल गया है कि एक अच्छा व्यवहार ही इंसान को जीवन में आगे बढ़ाता है।